नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और हाईटेक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आपके जस्ट अभी हुए एग्ज़ाम की आंसर की, जो कि जेट हमारे जो एग्ज़ाम हो चुका है उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आपको पता लग सकता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके गलत हुए हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभी जो आपके आंसर की है वो आपके एग्रीकल्चर की, और एग्रीकल्चर के साथ साथ बायोलॉजी की, दोनों की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें बिना किसी यहाँ पर टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन कहता है विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क, कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आयरन। दूसरा हमको दिया हुआ है कि पोटेटो वेराइटी जो है इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन अभी यहाँ पर बात करें विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्चार्ड, ये हॉर्टिकल्चर का आ गया। फिर एग्रो की बात करें नेक्स्ट विच वन इज अ मैकरोनी वीट, तो ये ध्यान रखना ये जो क्वेश्चन है अभी ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं ना ये एज इट इज क्वेश्चन डब्ल्यूओ के अंदर आया था, क्या था, ट्रिटिकम ड्यूरम जो है हमारा फोर्थ आंसर ये इसके अंदर सही माना गया था। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखें अगला अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कहता है टू सीड स्पाइसेज ऑफ राजस्थान, मीन्स राजस्थान की जो दो सीड स्पाइसेज है वो कौन सी है, तो इसके अंदर सही आंसर क्या जाएगा हमारा, क्यूमिन एंड कोरिएंडर, ये दोनों मेजर है। यहाँ पर हम कंफ्यूज थे फेनुग्रीक में, तो फेनुग्रीक नहीं है, गलत है, कौन सी आएगी हमारी, कोरिएंडर आएगी। हम बात करें नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है राइस इज अ, सेवन्थ क्वेश्चन की हम बात करें हमारे एग्रो की, तो राइस क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर ये क्या है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, किसकी है, ग्रेमिनिया पॉइसी की। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो एट क्वेश्चन है कहता है मिल्क फीवर जो होता है उसमें बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर क्या जाएगा, तो बढ़ता है या नॉर्मल रहता है, हम कहेंगे नहीं सर ये सब नॉर्मल रहता है, मतलब क्या है इसका, सामान्य से कम रहता है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें विच इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेम कटिंग, ये हमारा किसका वापस से हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ गया, इसको हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद। फिर बात करें अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कहना चाहता है टेंथ क्वेश्चन द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल, कहाँ पर बात कर रहा है, थ्रू द सॉइल, मतलब सॉइल में जा चुके नीचे है, ठीक है। तो कई बच्चे इसको क्या करके आए होंगे, यहाँ पर परकोलेशन इन्फिल्ट्रेशन दोनों के दोनों कन्फ्यूजिंग है, सही आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, क्या आंसर जाएगा इसका, परकोलेशन जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन जो है हमारा गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगला है इंटरवीनल क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स, अरे पुरानी पत्तियों पर किसके दिखते हैं, तो हमारे पास कौन कौन से हैं, तीन ही तो है एनपीके, उसके बाद कौन से हैं हमारे इसके अंदर एनपीके एमजी एमओ, पांच ही तो याद रखने थे, इसके अलावा थे ही नहीं, तो बच कौन सा गया, यहां पर देख लो कौन सा मिल रहा है हमको, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन से इंटरवीनल नहीं होता, तो आंसर क्या जाएगा, मैग्नीशियम सही आंसर जाएगा, यहां पर ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट बात करें यहां पर अगला साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया सर, इतना सिंपल कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, ब्लैक ग्राम जो है उसका क्या है, तो हमारा क्या आंसर जाएगा यहां पर, विग्ना रेडिएटा जो है हमारा इसके अंदर, ये आंसर नहीं होगा, क्या जाएगा हमारा, विग्ना मुंगो जो है सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर अगला क्वेश्चन विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मोस्ट यूजली फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स, तो कौन सा है हमारे पास, IBA इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिटिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं सेराडेक्स भी कहते हैं, क्या नाम है इसका, सेराडेक्स है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर हमको दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखें, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है आपके एनिमल हस्बेंड्री के, अभी सर जो है एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस जो है अपन वापस से करेंगे इसके अंदर, अभी हम एग्रो की बात कर रहे हैं तो एग्रोनॉमी के अंदर चले। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉन एज पुअर मैन फूड, कौन से किसको कहा जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर करके आए हैं, ये क्या आंसर जाएगा, पर्ल मिलेट जो है, बाजरा जो है उसको पुअर मैन फ्रूट कहा जाता है, ओके पुअर मैन फूड जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर इंडिया का ग्लोबल फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंदर कौन सा स्थान है, तो बिल्कुल सही है सेकेंड जो है वो माना जाएगा, फर्स्ट इसके अंदर आंसर जो है वो नहीं आएगा, सेकंड माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर हमको दिया है जूट का फाइबर, मतलब जूट से जो रेशा प्राप्त होता है कौन से प्रोसेस से मिलता है, अरे एक ही तो याद रखना था, रेटिंग निपिंग होता है चने के अंदर, टॉपिंग होता है हमारा टोबैको के अंदर, क्यूरिंग की बात करें ये भी टोबैको के अंदर, बच कौन सा गया, रेटिंग, तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा 20 के अंदर, रेटिंग जो है वो सही आंसर माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन है, जल्दी से देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कहता है, यहाँ पर देखें
21 वाला जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आपका जो पेपर है वो आपका कौन सा डी सीरीज का है, तो डी सीरीज के हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जो नंबर बदल जाएंगे पर क्वेश्चन नहीं बदलेगा। अजेटोबैक्टर के लिए पूछा हुआ है कि ये क्या है, तो हमें पता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सब में दिया हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ठीक है, दो जगह फंजाई दिया हुआ है तो गलत है, ये बैक्टीरिया होता है और ये सिम्बायोटिक होता है, फ्री लिविंग, तो हम कहेंगे फ्री लिविंग, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही इसके अंदर जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, क्या मेजर करना है, ड्यू मेजर करना है, अरे इतना सिंपल सा नाम में ही आ गया, ड्रोसोमीटर, ठीक है, साइक्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब थर्मोमीटर से क्या है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, पाइरे ये थोड़ा सा आपको यहां पर दिया है, पाइरजियोमीटर, ठीक है, तो इससे नहीं करेंगे, किससे करेंगे हम, ड्रोसोमीटर हमारा सही आंसर जाएगा। मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी, सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता किसकी है, अरे कहीं आंख बच कर इसका आंसर यही कर देना है, बिल्कुल सही है, कौन सा, ड्रिप इरिगेशन, सबसे ज्यादा इसी में होती है सर, इससे ज्यादा किसी में नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट बात करें, यहां पर अगला अपन से पूछा हुआ है कि विच फ्लावर इज कॉमनली यूज फॉर, ठीक है, लूज फ्लावरिंग में कौन सा अपन यूज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा हमारा मेरीगोल्ड जो है इसके अंदर हमारा क्या आएगा, आंसर जाएगा लूज फ्लावर, कट फ्लावर के रूप में यूज नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करें, हेडक्वार्टर्स एनडीडीबी के, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है, आनंद गुजरात, एक क्वेश्चन इससे आना ही था। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर जो है इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अरे सिंपल सा है, कौन सा है, इथाइलिन, ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है वो आए हैं इस बार, और पहले ही ये बात हमें पता थी, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि इस बार पेपर जो है वो बहुत ही कैसा आने वाला, बेसिक आने वाला है, और वही आया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैटल, कैटल का क्रोमोसोम नंबर आप जानते हैं, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन बेर, ठीक है, तो ये भी जो है हॉर्टिकल्चर का पार्ट आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, अर्का रक्षक किसकी वैरायटी है, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है बताऊँ क्या, किसी ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली हो नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी ट्वेल्थ क्लास की जो बुक है ना उसके अंदर आपका जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी वाली जो बुक है आपकी, ठीक है, कृषि जीव विज्ञान, उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 है, उसके अंदर टमाटर की एक डिजीज दे रखी है आपको, लीफ कर्ल, उसके अंदर ये वैरायटी दी हुई है, कौन सी अर्का रक्षक किसकी है, टमाटर की वैरायटी है। ओके, ट्वेल्थ क्लास की बुक से लिया हुआ है। अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाय ग्रीन ग्राम इज कॉल्ड, अरे ग्रीन ग्राम ब्लैक ग्राम किसकी है, हमारी फेबिसी या फिर पोएसी इसकी है, ठीक है, कितना करेगी, लगभग 75 से 80 केजी पर हेक्टेयर जो ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देती है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला अपना जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जल्दी से देख लें। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है ग्लेडियोलस जो है उसका हम सबसे ज्यादा जो प्रोपोगेशन करते हैं किसके वजह से करते हैं, तो हमारा कॉर्म या फिर ये जो हम यहां पर भी देखें तो कॉर्म ही दिया हुआ है अपन को, ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, विपटेल किसमें दिया हुआ है, अरे ये तो हमने रटा हुआ है क्लास के अंदर, किससे, मोलिब्डेनम से दिया हुआ है, ठीक है, इसकी कमी से होगा। 1000 सीड वेट ऑफ रेप सीड और मस्टर्ड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अरे उसकी सीड रेट ही 3 किलो होती है, 4 किलो होती है, 1000 सीड का वेट कितना होता है, 3 to 5 ग्राम, मतलब ये क्या, इसका टेस्ट वेट है, कौन सा वेट, टेस्ट वेट कितना माना जाएगा, 3 to 5 ग्राम माना जाएगा। स्पिनेच की बात करें किससे है, तो चिनोपोडिएसी से है, किससे, चिनोपोडिएसी से, हमारा ये आंसर सही माना जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट बात करें, आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन अनियन, तो यहां पर बात करें अनियन के अंदर जो बल्ब डेवलपमेंट है वो कौन सा सबसे ज्यादा होगा, तो हम यहां पर कौन सा हमारा ये जो आंसर माने यहां पर, तो हम बात करेंगे कौन सा, 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारा सही आंसर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें, विच एनिमल अमंग इज अ रूमिनेंट एनिमल, कौन सा है, अरे एनिमल वो भी रूमिनेंट, तो कौन सा, बफेलो तो हुआ, ना पिग है, ना डॉग है, ना चिकन है, और चिकन तो हमारा एनिमल भी नहीं, बर्ड है। ओके, नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पे, बरसीम में, तो बरसीम का वैज्ञानिक नाम बोलना जरा, अभी कहेंगे ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, यहाँ देखना कहाँ दिया हुआ है, राइजोबियम ट्राइफोली, ये हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट हम बात करें, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जो बोवाइन पॉपुलेशन है हमारी वो कहां पर है, तो किसके अंदर है, ब्राजील के अंदर। ओके, यहां पर ये याद रखेंगे। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर किससे बात हो रही है, हमारी ह्यूमिडिटी से, किससे बात हो रही है, ह्यूमिडिटी, तो यहां पर देख लो कहां दी हुई ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है, तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करें, अडल्ट मेल ऑफ गॉट, गोट का जो हमारा अडल्ट मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे उसको, बक कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, बक कहा जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चंस थे किसके, एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो आपके पार्ट थे, जिसके अंदर एग्रोनॉमी का कहीं ना कहीं पार्ट आ रहा था, उसके बारे में हमने बात करी है यहाँ पर। हम बाकी जो है सर जो है वो यहाँ पर हमें गाइड करेंगे कि और कौन से जो क्वेश्चंस हैं। तो आपने देखा कि लगभग जो सर पढ़ाए थे सब क्वेश्चन आपके नोट्स में ही मिल रहे हैं ना। एक दो प्रश्न तो मैंने आपको बोला था कि भाई 40 में एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपको कंफ्यूजिंग करेगा या फिर आप गलत करोगे, लेकिन 35 प्रश्न तो अपने को बिल्कुल इसमें सही होना चाहिए। 35, 36, इवन आप बोलो तो एग्रीकल्चर सार से 37 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल एग्जैक्ट अपने सार से हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम आपको गया होगा। अभी मैं बायोलॉजी का आंसर की और केमिस्ट्री का तुरंत आपके सामने ला रहा हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।